मैं सोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉमन आई डिसऑर्डर, मतलब जो दिक्कत हम लोगों को लगभग होते ही रहता है। तो पहले तो बताएंगे, देखिए ये जो जानकारी है ये सिर्फ देने के लिए हम लोग दे रहे हैं, मगर इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप कंसल्टेंट मत दिखाइए, घर में बैठे रहिए, ऐसा भी मतलब नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो आँख का दिखा लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो आँख के लिए सेफ होगा। मगर एक्चुअली क्या होता है, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के दौरान हम लोगों ने देखा बहुत सारे कुछ, देखिए सब डिजीज जो है, सब डिसऑर्डर जो है आँख का, उसको लेके सबको लेके पैनिक होना नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे जीनिस मतलब डिसऑर्डर में भी पेशेंट बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, तो ये मत होइए, क्योंकि इस ये लगभग जो हम लोग आज बताएंगे ये लगभग होता है। मगर इसके लिए क्या करना ठीक है, उस टाइम अगर आप कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, और इसमें आपको तुरंत डॉक्टर दिखाना है, ये भी हम लोग बता देंगे आज। तो आइए चलते हैं हम लोगों के विषय को। विषय में जाने के पहले थोड़ा एक बात ही बताएंगे कि आप लोग हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए एक बात जो है, मैंने कॉमन आई डिसऑर्डर देखे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो चेक किए, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर वीडियो जो लोग कर रहे हैं ना, वो कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, मतलब आई स्पेशलिस्ट कोई नहीं, ज्यादातर कोई कोई एक दो तो है ही। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, उन लोग बाहर से वीडियो देख के एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको ही बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी गलती भी है। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोगों को वीडियो में गलती नहीं होगा, हो सकता है, मगर कोशिश करेंगे जितना हो कम हो। वो कॉमन आई डिसऑर्डर जो है ये हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से बांटेंगे, मतलब सिम्टम्स जैसे होगा वैसे ही आपको बताएंगे। पहला जो सिम्टम्स है वो है रेडनेस, सेकेंड है इचिंग, थर्ड है स्वेलिंग, फोर्थ है बर्निंग, फिफ्थ है ट्रॉमा, सिक्स्थ है पेन, सेवेंथ है ब्लर या विजन में डिक्रीज हो जाना, एंड लास्ट जो है स्पॉट्स, फ्लोटर्स और फ्लैशेस। हम लोग ये जो सिम्टम्स को लेके ही आज लोग हम लोग इस विषय में जा रहे हैं, हम लोग कोई डिजीज नहीं बोल रहे हैं, सिम्टम्स को लेके कौन सा सिम्टम्स आपको कहाँ पे ले जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, यही बताने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले जो सिम्टम्स बताए थे रेडनेस, देखिए रेडनेस आँख का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, आँख में कुछ भी होता है तो ज्यादातर रेडनेस ही हो जाता है। और ये रेडनेस तीन तरह, एक इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन के वजह से हो सकता है, और एक एलर्जिक के कारण से भी ये रेडनेस हो सकता है। और ये एक्चुअली रेडनेस होता का, ये रेडनेस होता है, देखिए जो कॉर्निया है इसके ऊपर स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा के ऊपर एक पार्ट होता है हम लोग कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको दिखाई नहीं देता। और रेडनेस जो होता है स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होता है, कंजंक्टिवा में भी होता है, तो वो ब्लड वेसल्स स्वेलिंग होके या ब्लड निकल के रेडनेस होता है। तो आइए चलते हैं पहले रेडनेस की तरफ। पहले हम लोग जो आएंगे वो है कंजंक्टिवाइटिस, और पिंक का ही बोलते हैं। एक्चुअली कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही कॉमन एक आई डिजीज है, और ये कंजंक्टिवाइटिस की भी बहुत सारे भाग है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, एलर्जिक है। तो कंजंक्टिवाइटिस किसी भी तरह का हो ज्यादातर लाल ही हो जाता है। तो कंजंक्टिवाइटिस होना मतलब किसी को आँख को लाल हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा भी कंजंक्टिवाइटिस हो रहा था, उस वो बैक्टीरियल था, इसका ये भी बैक्टीरियल होगा, ऐसा नहीं होता है। सिम्टम्स वाइज उसको हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली पेशेंट को हुआ क्या है। कंजंक्टिवाइटिस जनरली कॉन्टेजिनियस है, मतलब ये स्प्रेड करता है, घर में किसी को हुआ तो ज्यादातर स्प्रेड होता है, बैक्टीरियल वायरल में ये ज्यादा होता है। मगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो है इसमें क्या होता है, ये स्प्रेड नहीं करता है। कंजंक्टिवाइटिस को लेकर अगर और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो हम लोगों के चैनल में जाइए, वहां पे कंजंक्टिवाइटिस को लेके एक वीडियो किया गया है, उसमें और डिटेल्स में इसको दिया गया है। क्विक टिप्स इसके बारे में जो है, देखिए अगर आपका आंख लाल है कभी भी उसको मतलब राब मत कीजिए, जितना समय आपको मालूम नहीं चल रहा है उस टाइम उस आप काम कीजिए कि आपको क्या कंजंक्टिवाइटिस आपको मालूम नहीं है, तो इसके लिए आपको कंसल्टेंट दिखाना है। और घर में जितने भी आप लोग रहते हैं
थोड़ा उनसे थोड़ा हटके रहिए, क्योंकि एक ही टॉवल से मतलब यूज मत कीजिए, एक साथ मत सोइए, और अगर घर में बच्चा है उसको किस करने मत जाइए, क्योंकि क्या है ये एयरबोन डिजीज हो सकता है, उसको भी बहुत जल्द स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर इससे थोड़ा रिलीफ पाना चाहते हैं, पहले तो बताएंगे कि कंसल्टेंट दिखा लेना जरूरी है, थोड़ा कोल्ड कॉम्प्रेस कर सकते हैं आंख के बाहर में, आंख के अंदर कुछ मत कीजिए, ऐसे करके आप थोड़ा इससे रिलीफ मिल सकता है। बताते हैं आई एलर्जी। देखिए एलर्जी में क्या होता है, सभी को लगभग मालूम ही है, एलर्जी का मेन जो सिम्टम्स होगा कि उसमें इचिंग होगा। और एलर्जी क्यों होता है, देखिए बाहर से अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हो जो आपके आप उसको आपका बॉडी उसको ले नहीं पाता है, वो अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है तो उससे उसके वजह से एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाता है। और एलर्जिक इन्फेक्शन भी ऐसे ही है कि इसका जो होगा मेन सिम्टम्स होगा इचिंग, रेडनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग, ये भी हो सकता है, मगर इचिंग इसका एक मेन सिम्टम्स है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको, जाहिर सी बात है मैं आपको बोलूंगा कि दिखा लेने के लिए, मगर कुछ रिलीफ मिलने के लिए आप कोल्ड वेट कॉम्प्रेस कर सकते हैं आंखों के बाहर, और कोई भी एंटी एलर्जी मतलब एंटी हिस्टामिनिक जो मेडिकेशन है जो मार्केट में जनरली मिल जाता है, नाम बताना ठीक नहीं है, ऐसे ही कोई मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद अगर लग रहा है आपको रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत कंसल्टेंट दिखा लीजिए। अभी हम लोग आएंगे ब्रोकन ब्लड वेसल्स। देखिए इसको हम लोग जनरली जो बोलते हैं सबकंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ भी कारण से कफिंग हो, स्नीजिंग हो, या इन टाइम ऑफ आप लोगों ने वॉटिंग करने गए उसमें आपने प्रेशर दिया, या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या ट्रॉमा से, कुछ भी कारण से जो ब्लड वेसल्स हैं बाहर के तरफ कोई भी एक ब्रोक होके सडन एक ब्लड दिखाई देता है। जनरली ये टेंशन करने की इतना बात नहीं है उस टाइम जब ये निकल के आएंगे, मगर इसका जो कारण है ये ढूंढ पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लगातार होना ठीक नहीं है। जो माने हेमरेज आपका बाहर हो रहा है वो आपका आपको अंदर भी हो सकता है, तो वो आपके लिए खराब होगा, तो तुरंत दिखा लीजिए, मगर इसको लेके पैनिक मत होइए, तभी दिखा लेना जरूरी है। क्विक टिप इसका जो है, देखिए एक्चुअली तो आपको दिखा लेना चाहिए, और ज्यादातर लोग मतलब दिखा भी लेते, दिखा लेना भी अच्छा भी है। एक्चुअली हम लोग जो करते हैं कि हेमरेज क्यों हुआ ये ढूंढते हैं, अगर कुछ नॉर्मली लगा तो हम लोग कुछ नहीं करते, एक सिंपल टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप देके छोड़ देते, पेशेंट को बोल देते कि 14 से 21 डेज तक आपको इसको डालना है, इसके बाद ये खुद भी खुद ठीक हो जाएगा, मगर ये अगर रिकरेंट हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, तो इसके बारे में बोलेंगे दिखा लीजिए। इसके बाद आएंगे आई ट्रोमा। देखिए आई ट्रोमा किसी भी तरह हो सकते हैं, ज्यादातर हम लोग अभी ब्रांड ट्रोमा के बारे में बोल रहे हैं जिसमें आपको चोट पहुंचता है, मगर मतलब कोई कट वगैरह कुछ नहीं हो जाता, मगर इस आई ट्रोमा की वजह से आपको आंख में हेमरेज हो सकता है, और ये ट्रोमा आपके लिए बहुत ही खराब है। ये भी हम लोगों ने एक वीडियो कर चुके। देखिए ट्रोमा होने के बाद आपका रेटिना जो है, जो लाइट सेंसिटिव लेज है जिससे इमेज फॉर्म होकर ब्रेन के तरफ जाता है, ये कभी भी डिटेक्ट हो सकता है। तो अगर किसी को भी आई ट्रॉमा हुआ है तुरंत उसको कोई ना कोई इमरजेंसी में या कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। उस टाइम क्या करेंगे, जब ट्रॉमा हुआ है उसको थोड़ा कोल्ड कंप्रेस कीजिए, थोड़ा बर्फ लेके मतलब उसके ऊपर थोड़ा पानी दीजिए, ठंडा पानी, आंख बंद करके, आंख खोल के एकदम ही नहीं, आंख बंद करके दे सकते हैं, और एज क्विक एज पॉसिबल एक कंसल्टेंट को दिखा लेना जरूरी है। इची और इची आईज। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आंख में जब खुजली होता है ये ज्यादातर ये एलर्जिक का कारण से होता है, मगर देखिए नॉर्मली थोड़ा हल्का इचिंग हो रहा है इसको लेके इतना टेंशन लेने के नहीं है, आप थोड़ा उसको मतलब साफ करके भी थोड़ा देख सकते हैं। अगर आपका इचिंग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इचिंग जब एलर्जिक इन्फेक्शन जब बढ़ता ही जाता है तो दिक्कत पैदा कर सकते, अगर हो रहा है तो तुरंत दिखा लेना जरूरी है। और आंख को ना राब मत कीजिए, जितना भी आप राब करेंगे वो उससे आपको इन्फेक्शन और भी ज्यादा होता जाएगा, राब मत कीजिए। आप एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन ले सकते हैं, अगर उसके बाद भी आपको नहीं कम हो रहे तो तुरंत दिखा लीजिए। एलर्जिक इन्फेक्शन और ब्लेफरेटिस भी एक कारण है इचिंग के लिए। तो ब्लेफरेटिस क्या है, ये एक्चुअली वीडियो है, डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
रेफरेंट इस वीडियो में है हम लोगों को चैनल में, वो जाके थोड़ा एक बार देख लीजिए। ब्लर्ड विजन मतलब विजन हेजी हो जाना। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से जो पास होता है वो कभी कभी आंखों के सामने चला आता है, जहां से लाइट पास करता है उसके लिए सारे ने ब्लरिंग होता है, उसके बाद चला जाता है। देखिए ये इन्फेक्शन की वजह से इसको लेकर इतना टेंशन करना नहीं है, मगर अगर ऐसा हो रहा है आपको कि विजन आपका डैमेज मतलब कम हो जा रहा है धीरे धीरे, तब और आपने उठा एक दिन देखा कि अरे एक आंख से दिखाई दे रहा है, एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत ही खराब सिम्टम्स है। देखिए आंख का मेन जो काम है वो है देखना, अगर वहां पे कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोई बात ही नहीं है, आपको तुरंत आसपास कहीं पे भी कुछ भी आई स्पेशलिस्ट मिले उनको दिखा लीजिए, अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो अर्जेंट केयर में जाके दिखा लीजिए, मगर ये वेरी मतलब ये बहुत ही जरूरी है। काफीज मतलब आपका साइड थोड़ा मतलब स्वेलिंग हो जाए, ये काफीज के मतलब देखिए ट्रॉमा से भी हो सकता है तो और एलर्जी से हो सकता है, ट्रॉमा होगा तो तुरंत दिखा लीजिएगा, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताना है। अगर एलर्जी से हो रहा है तो एंटीहिस्टामिनिक एक मेडिकेशन लेके एक दिन वेट कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि ना चलो नहीं कम रहा है तो तुरंत दिखा लीजिए। अभी जो क्रूशियल वीडियो का पॉइंट है आई पेन, देखिए आंख में पेन बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए पेन कहीं भी हो सकता है, आंख के बाहर हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, आंख घुमा रहे हो सकते हैं, आंख नॉर्मल है तब भी हो सकते हैं, पेन बहुत ही है, पेन हल्का हो सकता है और लाइट में जा रहा है उस टाइम आपको पेन हो सकता है। आंख में पेन एक बहुत ही खराब साइन है, इसके वजह से आपको कुछ भी हो सकता है, आंख के पेन के इन्फेक्शन से हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से हो सकते हैं, ट्रॉमा से हो सकता है, ग्लॉकोमा बोल के जो बहुत ही खराब आई का डिजीज है उसके अंदर से हो सकता है, और आयराइटिस और यूवेइटिस आई पेन की एक बड़ा कारण है। और ये जो पेन है ना, ये आयराइटिस और यूवेइटिस ये आपको मालूम चलेगा कि अगर आपको सोचिए कि आंख में पेन हो रहा है उसके साथ आपको ज्वाइंट पेन भी हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक कहीं से ना कहीं पे एक दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से आपको आंख में पेन हो रहा है। तो आपको जो करना है तुरंत एक आई स्पेशलिस्ट दिखा लीजिए, अगर जॉइंट पेन वगैरह कुछ है तो उसके साथ एक ऑर्थोपेडिक को भी दिखा लीजिएगा। स्पॉट्स फ्लैशेस और फ्लोटर्स, देखिए हम बहुत सारे पेशेंट को ये कॉम्प्लेंट करने सुने हैं हमने कि मेरे आंखों के सामने कुछ जाता है। आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को होता है स्नीजिंग या कफिंग के बाद भी कभी कभी लगता है कुछ घूम रहा है। देखिए इसको लेके पहले तो इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लेंस के पीछे रेटिना के बीच में फ्लूइड होता है उसको हम विट्रियस बोलते हैं, तो एजिंग के हिसाब से कभी कभी उसमें फ्लूइड हो जाता है तो उसमें कुछ थ्रेड्स वगैरह आ जाता है, वो जब विजन का जो लाइट पास करते हैं उसके अंदर जब आ जाता है तो वहां हम लोगों को दिखाई देता है। पहले तो बताएंगे देखिए इसको लेके अगर एक दो बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार हो रहा है मतलब फ्लोटर्स जो है बार बार आ रहा है तो आपको आ रहा है और साइज में भी बढ़ रहा है, मतलब पहले तो छोटा छोटा था उसके बाद बड़ा बड़ा हो रहा है, तो आपको तुरंत दिखा लेना चाहिए। पहले ये आपको बता रहे थे कि अगर एक बार दो बार आ रहा है इतना ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है तो ठीक है, मगर रिकरेंट हो रहा है और साइज में बढ़ रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है तो तुरंत दिखा लेना चाहिए, क्योंकि पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट पीवीडी नाम का एक डिजीज होता है बहुत ही खराब है, ये भी हो सकता है। और फ्लैशेस बहुत ही खराब है, मतलब फ्लैशेस कैसे बोलेंगे, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है ना, सारे लाइट यहां से पास हो गया, एक यहां से पास हो गया, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो कतई देरी मत कीजिए, अर्जेंटली आपको दिखाना है, क्योंकि फ्लैशेस रेटिना डिटैचमेंट का एक क्लासिक साइन है। ये मान वो नहीं बोल रहे कि फ्लैशेस हो रहा है मतलब आपको रेटिना डिटैचमेंट हो गया या रेटिना डिटैचमेंट होने वाला है। कभी कभी क्या होता है हल्का सा टियर हो जाता है इसके वजह से होता है, कभी कभी थोड़ा टियर हुआ है इसके वजह से, अगर वो दिखा लेना जरूरी है क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट के मालूम है कि क्या करना है, अगर हल्का सा हुआ है कुछ वगैरह लेजर वगैरह करके ठीक कर सकते हैं, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो बहुत दिक्कत पैदा कर सकते, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। अभी जो बताएंगे वो है फॉरेन ऑब्जेक्ट आंख में घुस जाना, मतलब बाहर से कुछ आंख में आ जाना। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों का अगर लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आंख में कुछ पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत दूर अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आंख में आता है, इसको लेके टेंशन करना नहीं, मगर ऐसा भी होता है कि आप बाहर गए हैं कहीं से भी कुछ पड़ा हुआ है, पहले तो आप लोगों को अगर आंख में ऐसा कुछ लग रहा है कि आंख में कुछ गिरा हुआ है तो काम कीजिए पानी देके उसको थोड़ा साफ कर लीजिए, अगर पानी देने के बाद वो चला जाता है या दिखाई नहीं देता है
और आपको सिम्टम्स नहीं है, मतलब फॉरन बॉडी सेंसेशन जो हो रहा है वो नहीं है, तो इसको लेके टेंशन करना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पड़ा हुआ है और पानी देने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तब आपको दिखा लेना चाहिए। और एक काम जो कर सकते हैं आप लोग लीड को थोड़ा इवर्ट करके, मतलब उल्टा करके लीड के ऊपर देख सकते हैं कुछ पड़ा हुआ कि नहीं। वहां पे अगर कुछ पड़ा हुआ है, अगर कुछ हल्का सा थोड़ा कॉटन या बार्स वगैरह कुछ होता है ये लेके अगर वो उसको टच किया, अगर उठ गया तो ठीक है। मगर ये जो सफेद पोर्शन है, ऑरिजिनली जो आई है, इसके ऊपर अगर कुछ भी गिरा है तो टच मत कीजिए। ज्यादा तो कॉर्निया का तो टच करने ही नहीं है कभी। वहां पे कुछ पड़ा हुआ है, अगर टच करेंगे, सर सोचिए कि वो बाहर पड़ा था, आपने टच किया उल्टा टच हो गया और भी अंदर की तरफ चला गया, तो उसके वजह से आपको बहुत दिक्कत। तो थोड़ा ये जानकारी ध्यान में रखिए। और फिलहाल फ्रेंड्स आज यही इतना ही तक था। आप लोग सब सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, और ये जो जानकारी है सभी में बटिए। नमस्ते।